नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर। कुलटी ब्लॉक के मंडल टू के महामंत्री राजेश सिन्हा जी से आज बात करते हैं, जो भाजपा के लोकप्रिय नेता भी हैं कुलटी क्षेत्र के और काफ़ी सम्माननीय लोग हैं। उन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उनके कार्य को सराहते भी हैं। उनके नेतृत्व में कल भाजपा क्या काम करेगी कुलटी ब्लॉक टू में, किस तरह से रणनीति तैयार करेगी, किस तरह से काम करेगी और आपका उत्थान दिवस जो मनाया गया, उसके अलावा रथ यात्रा जो आ रही है कुलटी में, तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा रथ यात्रा का, इन सभी विषयों पर राजेश सिन्हा जी से बात हुआ। उसके अलावा उनसे बात हुई कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कुलटी ब्लॉक टू का क्या भूमिका रहेगी, उनकी सोच क्या है, उनकी रणनीति क्या है, वो किस तरह से काम करेंगे। तो आइए बात करते हैं भाजपा कुलटी ब्लॉक टू के महामंत्री राजेश सिन्हा जी से, हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम के साथ। राजेश सिन्हा साहब हैं जो बीजेपी के बहुत ही एक्टिव नेता है, आइए उनसे जानते हैं कि उत्थान दिवस पर उन्होंने किस किस्म का प्रोग्राम का आयोजन किया। एक्चुअली में जो कल भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान दिवस था, उस उत्थान दिवस में पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिला हिस्से के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर उत्थान दिवस मनाया और उस उत्थान दिवस में हमारा एक ही मकसद था कि बंगाल बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिन आप लोग देखे होंगे कि ग्राम पंचायत का चुनाव बंगाल में हुआ, किस कदर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। और पुरुलिया का घटना को हम लोग देख रहे हैं, बगल का जिला है, जिस जिला में भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक स्तर पर अपना बोर्ड गठन कर चुकी है, उनका पूरा मेजोरिटी होने के बाद भी उनके कार्यकर्ताओं को जो वहाँ से चुनाव जीता है उसको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, मारा जा रहा, जो अपना बगल का प्रदेश झारखंड में शरण लिए हुए हैं। तो इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच बंगाल में नहीं रहा, ऑपोजिशन को बोलने का अधिकार छीना जा रहा, पूरे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को जिस तरीके से ममता बनर्जी हत्या कर रही है, इसके विरुद्ध में ही कल उत्थान दिवस पर हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, बंगाल बचाओ गणतंत्र बचाओ। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा का जिला स्तर पर बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है और जिला के तरफ से मंडल में सारा कार्यक्रम को रखा गया है कि जिस जिस मंडल से रथ यात्रा गुजरेगी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस रथ को स्वागत के लिए रास्ते पे खड़े होंगे, रास्ते पे खड़े होकर रथ पे फूल का माल्य अर्पण किया जाएगा, पुष्प वृष्टि की जाएगी, इस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा रथ को, ऐसा प्रोग्राम है। जिस जिस रूट पे, जैसा कि हम लोगों का एक रूट हुआ है कि किस किस रूट होकर रथ को जाएगी, तो जहाँ जहाँ से जिस रूट पे रथ जाएगी, जिस जिस जगह पे मोड़ और चौराहा होगा, उस रथ को रोककर स्वागत किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और हमारे जैसे विचार रखने वाले लोग, सभी लोग स्वागत में, रथ के स्वागत में रहेंगे। जिला में रथ आ जाएगी 24 तारीख को, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। और उनसे पहले और क्या नेता आएंगे? हाँ, नेता तो हम लोगों का प्रोग्राम डेली डे बाई डे अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रथ यात्रा के बाद 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता योगी जी आसनसोल में आ रहे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा सभा होने वाला है, जनसभा। वो लोकेशन अभी क्लियर हुआ था? अभी लोकेशन क्लियर नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर को आ रहा है, जैसा कि 2-3 पोलो ग्राउंड के बारे में भी बात चल रहा है, ऐसा कर कुछ चल रहा है, लेकिन आसनसोल में उनका प्रोग्राम होगा, ये फाइनल है। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का तुष्टीकरण की राजनीति रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये सिंडिकेट की राजनीति रही है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बंगाल में एक सिंडिकेट की राजनीति चल रही है, और इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगेंगे और हम लोग बूथ स्तर पे अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया है।
पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पे काफ़ी मजबूत हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ये बताया कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो हम लोग का एक ही फोकस है कि जो जिस भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी मिली है सारे लोग बूथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बूथ जीतना ही हमारा लक्ष्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य अपना सारा संगठन बूथ पे काम कर रही है और बूथ को मजबूत कर रही है। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे जिससे समाज को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।